रविवार के दिन ऐसा क्या किया जाए जिससे आपके बच्चे सेट हो जाएं, उन्हें काम मिल जाए? आपका पति या आपका पुत्र बेरोजगार न घूमे, उन्हें काम मिले। आज ब्रह्मांड पुराण में भी इस बात की चर्चा होगी, आप जरूर सुनिएगा। और अभी भी एक छोटी सी टिप्स आपके बीच में रख रहे हैं, मैंने पूर्व में भी बोला है, या तो सप्तमी का व्रत माता पिता करें, भाई लोग रविवार का व्रत करें। रविवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता, 2-3 बजे मीठा भोजन कर लें, खीर बना के खा लें, पुआ बना लें, मीठी पूड़ी बना लें, इसमें मीठा ही भोजन किया जाता है, नमक नहीं लिया जाता। और इसमें एक विशेष रूप से भगवान सूर्य के लिए अर्घ दिया जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ किस प्रकार से दें, एक लोटा लीजिएगा, तांबे का लीजिए, पीतल का लीजिए, उस लोटे में जल डालें, गंगा जल डालें, गौ माता का कच्चा दूध डालें, सफ़ेद तिल डालें, उसमें लाल फूल डालें और दुर्वा जड़ वाली डालें, जिस दुर्वा में नीचे जड़ होती है उस दुर्वा को डालें। इतनी चीज़ें लोटे में डाल करके फिर भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। ये नहीं कि तुम 1-2 बजे अर्घ दे रहे हो, अर्घ का टाइम सुबह का ही है, ठीक सा तो अर्घ दीजिए। और अर्घ देने के तत्पश्चात एक परिक्रमा कीजिए और कम से कम 12 नामों से भगवान सूर्य देवता को आप वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए। आपके पास आश्रम की भगवत प्रसाद नाम की किताब हो तो उसमें सूर्य भगवान के 12 नामों का वर्णन किया गया है, ओम भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, महातेजाय नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, प्रसवे नमः, भानवे नमः, सविताये नमः, अर्काये नमः, ये सूर्य भगवान के नाम हैं। इन नामों से भगवान भास्कर को आप प्रणाम करें। आपके घर में यदि सूर्य चक्र है, यहाँ से बहुत भेजा है, ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है, भविष्य पुराण में भी वर्णन है, जो व्यक्ति सूर्य भगवान के सन्मुख घी का दिया जला करके रखते हैं उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं रह सकता। या उन लोगों के लिए हम बहुत बताते हैं जिनको सफ़ेद दाग और ऐसा कोई भयंकर रोग है, सांब को ये रोग हुआ था भगवान भास्कर की कृपा से और उस रोग का निवारण हो गया। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने से, वंदन प्रणाम करने से, उनका नाम का दिया जलाने से सभी प्रकार की आरोग्यता तो मिलती ही है, व्यापार बढ़िया हो जाता है। जिनकी दुकान ठीक से नहीं चलती है, अष्ट धातु का सूर्य दुकान पर ऐसी जगह लगाएं ग्राहक आवे तो उसकी पूरी निगाह उसके ऊपर पड़े, काम बढ़िया हो जाएगा। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी कहा करते थे कि जो भाई लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें और सूर्य भगवान को अर्घ दें उनके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आ सकती। आज लोगों ने गायत्री जपना बंद कर दिया है, सूर्य भगवान को अर्घ देना बंद कर दिया है, माँ सरस्वती का ध्यान करना बंद कर दिया है, इसलिए सब गड़बड़ हो गया है, इसलिए इतनी परेशानी आ रही हैं। मैंने पूर्व में भी आपको बोला है, घर में छोटे बच्चे बेटियों से लेकर के बड़े बूढ़े तक सबके द्वारा भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए।